चिकन के सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। जो पहली बार बनाने जा रहा है चिकन, वो भी इस तरीके से फर्स्ट टाइम में ही बहुत ही टेस्टी से सालन बनाकर तैयार कर लेगा। तो किस तरीके से इस सालन बनाना है, चलो देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैं चिकन ली हूँ आधा किलो। उसको धोकर स्ट्रेनर में रख दी थी, उसका पानी निकल गया है। उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए है 2 चम्मच, और आधा कप डाल दिए है दही, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत से लोग का कहना है कि चिकन में दही डालने के बाद बनाओ तो फट जाता है, तो इस तरीके से मिक्स करके बनाएंगे तो नहीं फटेगा सालन। तो यहाँ पे मैं तेल डाल दी हूँ कढ़ाई में, और यहाँ पे मैं 3 चम्मच तेल डाली हूँ, और यहाँ पे मैं 2 प्याज को, छोटे साइज़ के प्याज को कट करी हूँ बारीक, और इसको इस तरीके से चलाते हुए सॉफ्ट कर लेना है। इसका कलर नहीं चेंज किया है, बस ये सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। मैं यहाँ पे 2 टमाटर को कट की हूँ, रफली कट करके इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे मैं 2 मिर्ची डाल रही हूँ, आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो। और इसको डालने के बाद अभी सॉफ्ट कर लेंगे टमाटर को भी। यहाँ पर टमाटर सॉफ्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब ये भुन गया है, तो अब इसे बाहर निकाल लेंगे और इसे ठंडा करके पीस लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है चिकन के अंदर। तो इसको निकाल कर इसमें थोड़ा सा तेल और ऐड कर दी हूँ, और यहाँ पे 3 इलायची, 4 से 5 गोल मिर्च, 4 लौंग और 1 काली इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल दिए हैं। और यहाँ पे मैं जो चिकन को रखी थी मिलाकर उसको डाल देंगे, और इसे अच्छे से चला लेंगे। और फिर जो टमाटर का पेस्ट बना के रखे थे, टमाटर और प्याज और हरी मिर्ची का, उसको डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ग्राइंडर जार में थोड़ा सा मसाला लगा था, उसमें पानी डालकर डाल दिए है, और हल्दी डाल देंगे, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम है। 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल दिए है, और 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, और 1/2 चम्मच गर्म मसाला डाल दिए, 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल देंगे, और नमक डाल देंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारे मसाले डालने के बाद अब इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और खूब अच्छे से भून लेना है। मसाले का कच्चापन दूर होने तक इसको खूब अच्छे से चलाते हुए भून लेना है। यहाँ पे चलाते हुए गोश्त को अच्छे से भून लिए हैं, और आप देख सकते हैं ऑयल छोड़ दिया है और बहुत ही अच्छे से भून गया है। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे चिकन को गलने के लिए। तो अब इसके अंदर पानी डाल देंगे। मैं यहाँ पे 1 कप पानी डाल रही हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी डालने के बाद, और ढककर पका लेंगे स्लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए। बीच बीच में चलाते जाए, नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे तो जल जाएगा। यहाँ पे 10 से 12 मिनट के लिए चिकन को पका लिए है। चिकन अच्छे से गल गया है और यह मसाला भी अच्छे से भुन गया है। आप चाहे तो इस स्टेज पे बंद करके ऐसे ही सूखा अगर खाना चाहते हैं तो इस तरीके से ग्रेवी सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सालन बना रही हूँ, तो 1 कप पानी और ऐड कर दी हूँ, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इस टाइम पे आप नमक चेक करके नमक डाल देंगे। यहाँ पर नमक कम था तो डाल दिए है, और इसे अच्छे से मिक्स करके अभी इसे ढाक कर पका लेंगे 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर। यहाँ पे ढककर पका लिए 5 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम बंद कर दिए हैं, और इसके ऊपर धनिया के पत्ते डाल दिए, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और अब इसे सर्व कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी हमारा चिकन का सालन बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी लगता है, और आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बना है, सॉफ्ट एकदम सालन बना है इसका। एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।